यही विस्तार है दूसरा सवाल 48,596 का विस्तारित रूप है। प्रश्न इस तरीके से है, तो 48,596 को किस तरीके से तोड़ेंगे, जिस तरीके से हमने पहला सवाल को लिखा है उसी तरीके से सेम दूसरा सवाल। चार के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 चार चलेगा प्लस 8, 8 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3 8 के बाद 3 0 प्लस 5 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2 प्लस 9 के बाद कितनी संख्या है, 1 लास्ट में 6 है, तो 6 के 6 यही विस्तारित रूप है। एक सवाल और करेंगे हम, जैसे कुछ भी कोई भी सवाल ले लो, 4, 9, 7, 6, 8, 7, 2 कुछ भी संख्या है, कितनी भी संख्या हो अपन को तो बस संख्या गिननी है और जीरो रखते जाना है, ठीक है। जैसे 4 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, तो 6 0 रख दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस। फिर 9 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच संख्या है, तो 5 0 रख दी प्लस। 7 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 7 के बाद 4 0 प्लस। 6 के बाद कितनी संख्या है, 3, तो 3 0 लगती प्लस। 8 के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2 तो 8 के बाद 2 0 लगती प्लस। 7 के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या, तो 7 के बाद 1 0 लगती है, और प्लस 2 0 विस्तारित रूप। अब हम कुछ दशमलव वाली संख्या की भी बात करेंगे, तो हम कुछ दशमलव वाली संख्या भी देखते हैं। देखते 3456.237 का विस्तारित रूप ज्ञात करो। तो दशमलव वाली संख्या का किस प्रकार से हम विस्तार करेंगे, पहले तो अपन को यह संख्या देखनी है, पहले इस संख्या को ज्यों का त्यों तोड़ देना है, जिस तरीके से हमने पहले सवालों को तोड़ा था बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में। 3 के बाद कितनी संख्या है, दशमलव से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, पहले हमको दशमलव की पहले की संख्याओं को तोड़ना है। तो 3456 है 3, 3 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2 और 3 तो 3 0 प्लस। तो 4 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2 अभी हमें दशमलव की बात की किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर 4 के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 5 के बाद 1 50 और फिर 6 के 6 फिर दशमलव लगाए। अब हम दशमलव के बाद की संख्याओं की बात करेंगे, तो चाहे 237 लिखे हो, चाहे 2370 हो, चाहे 2374 हो, कितनी भी संख्या हो, हमको तो दशमलव के बाद इस तरीके से तोड़ना है कि पहली संख्या है तो पहली 2 बटे में 10 करते जाना है, 2 बटे
दस पहली संख्या तोड़ी तो दस, दूसरी तोड़ेंगे तो सौ, तीसरी तोड़ेंगे तो हजार, और चौथी तोड़ेंगे तो दस हजार। तो पहली संख्या तोड़ी हमने दो के बटे में दस प्लस तीन, अब हम दूसरी संख्या तोड़ रहे हैं तो बटे में सौ प्लस सात, तो सात के बटे में तीसरी संख्या तोड़ेंगे तो हजार। मान लो कि यहाँ पे छह और लिखे हुए हैं, छह और मान लो कि छह और संख्या लिखी हुई है, तो छह भी लिखी जाती तो कोई टेंशन नहीं। पहले अपन ने दस, फिर सौ, फिर हजार और फिर दस हजार, एक शून्य बढ़ाते जाने, जितनी संख्या होंगी उतनी अपन को एक संख्या बढ़ाती जानी होगी। तो ये दशमलव का यही विस्तारित रूप है, यही विस्तारित रूप है। एक दो सवाल और देखेंगे हम दशमलव वाले, तो देखिए एक सवाल और देखते हैं, फिर हम विस्तारित रूप को और तरीके से तोड़ना बताएंगे। जैसे 44.76 दशमलव से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, दशमलव का हम बाद में देखेंगे। तो चार के बाद कितनी संख्या लिखी है, तीन, तो चार के बाद तीन जीरो प्लस, फिर चार के बाद कितनी संख्या है दो, तो दो शून्य, सात के बाद एक संख्या है एक शून्य, और फिर प्लस के छह जम के थे, फिर प्लस दशमलव है। तो पहले अगर पहले को तोड़ेंगे तो दस, दूसरे को तोड़ेंगे तो सौ, तीसरे को तोड़ेंगे तो हजार, चौथे को तोड़ेंगे तो दस हजार। अब पहली संख्या तोड़ेंगे दो, तो दो बटे दस, फिर दूसरी संख्या तोड़ेंगे आठ, तो बटे में सौ, और तीसरी संख्या तोड़ेंगे चार, तो होंगे हजार। मान लो कि यहाँ सिक्स और लिखे हुए हैं, तो चौथी संख्या तोड़ेंगे छः, तो यहाँ होंगे दस हजार। हमारा ये विस्तारित रूप के हमने दो टाइप पढ़ लिए हैं, पहले तो सीधी संख्या और फिर दशमलव वाली संख्याएं। अब और संख्याएं देखते हैं, अब हम स्थानीय मान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि स्थानीय मान क्या होते हैं। तो हम आपको बता दें कि विस्तारित रूप ही स्थानीय मान होता है, ठीक है, जो विस्तारित रूप होगा वही स्थानीय मान होगा, जो स्थानीय मान होगा वही आपका विस्तारित रूप होगा। देखिए हम बताते हैं, पहले हम नोट में लिख दें, इसे अलग से टॉपिक बनता है कि स्थानीय मान। तो इसकी परिभाषा यही है कि विस्तारित रूप को ही स्थानीय मान कहते हैं। कैसे, हम आइए हम आपको बताते हैं। जैसे संख्या है, नौ सौ अठहत्तर 432 में सात का स्थानीय मान क्या है, सात का स्थानीय मान क्या है। तो सेम कंडीशन वही है, पहले हम उसका विस्तारित रूप कह देंगे और जो सात का स्थानीय मान होगा उसी को हम लिख देंगे। जैसे पहले हम इसको विस्तारित रूप में तोड़ेंगे, विस्तारित रूप हमने आपको बताया ही है कि पहली संख्या के बाद जितनी संख्या होंगी उतने ही क्या रख देंगे, जीरो। नौ के बाद कितनी संख्या है, एक दो तीन चार पांच, तो नौ के बाद पांच जीरो, फिर प्लस सात के बाद कितनी संख्या है, चार, तो सात के बाद चार जीरो रख दिए, प्लस आठ के बाद कितनी संख्या है, तीन, तो आठ के बाद तीन जीरो रख दिए, फिर चार के बाद दो संख्या है तो चार के बाद दो जीरो रख दिए, प्लस तीन के बाद एक संख्या है तो तीन के बाद एक जीरो रख दिए, और प्लस दो। तो प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है,
कि सन 978 432 में सात का स्थानीय मान क्या है, तो सात का स्थानीय मान क्या होगा, सात 70,000, सात का स्थानीय मान होगा 70,000। और देखेंगे एक सवाल और देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं, 982,715 में आठ का तथा सात का स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करें। तो इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं है, इसमें केवल वही है कि पहले हमको इसका विस्तारित रूप लिख देना है, फिर आठ और सात के स्थानीय मान में क्या कह देना है, अंतर। पहले हम इसका विस्तारित रूप निकालेंगे, विस्तारित रूप, विस्तारित रूप। नौ के बाद कितनी संख्या है, दो चार पांच, तो नौ के बाद पांच संख्या है, सो पांच जीरो। आठ के बाद कितनी संख्या है, चार, तो चार जीरो। फिर दो के बाद कितनी संख्या है, तीन, तो तीन जीरो। प्लस सात के बाद कितनी संख्या है, दो, दो जीरो। प्लस एक के बाद कितनी संख्या है, एक, सो एक जीरो। और फिर प्लस पांच। सवाल क्या बोल रहा है हमारा, 982,715 में आठ का तथा सात का स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करें, तो आठ का स्थानीय मान कितना होगा, 80,000, और सात का स्थानीय मान कितना होगा, 700। इनमें अंतर ज्ञात करने तो क्या कर देंगे अपन, इसमें माइनस कर देंगे, अंतर मतलब माइनस, जीरो का जीरो, जीरो जीरो का जीरो, दस में से सात गई तीन, दस में से एक गई नौ, और आठ में से एक गई सात। तो अपना आंसर निकल आया 79,300। एक सवाल और हम अंतर का करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। छः चार में छः तथा नौ का स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है। चार के बाद कितनी संख्या है, दो चार छः सात, तो चार के बाद सात जीरो रख दिए, दो तीन चार पाँच छः सात। प्लस छः के बाद कितनी संख्या होंगी, छः, एक दो तीन चार पाँच छः जीरो रख दिए। तो नौ के बाद कितनी संख्या होंगी, दो चार पाँच, तो नौ के बाद पाँच जीरो रख दिए। प्लस आठ के बाद कितनी संख्या होंगी, एक दो तीन चार, तो आठ के बाद कितने शून्य रख दिए, चार। प्लस सात के बाद कितनी संख्या होंगी, एक दो तीन, तो तीन शून्य रख दिए। प्लस नौ के बाद कितनी संख्या होंगी, दो, तो दो शून्य रख दिए। छः के बाद कितनी संख्या है, एक, तो एक रख दिए। और प्लस चार। प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि छः तथा नौ का स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए, तो छः का मान कितना है ये, और नौ का मान कितना है ये, इसमें अंतर ज्ञात करना है हमको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, साठ लाख।
स्तनों की स्थानीय मान में अंतर। अंतर ज्ञात करेंगे तो माइनस लगा देंगे और जिम करते हैं जीरो का जीरो, 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 दस में से नौ गई एक और छः में से एक गई पाँच, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख इक्यावन लाख आंसर। तो अभी हमने सवाल कितने देखे कि पहले हमने विस्तारित रूप को जाना, फिर स्थानीय मान को मान जाना, फिर स्थानीय मान में क्या मान जाना, अंतर को जाना। अब हम कुछ और सवाल देखते हैं। अब हम इकाई के अंक को ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम एक टॉपिक ही बदल गए, नहीं है नंबर सिस्टम का ही पार्ट है इकाई का अंक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इकाई का अंक। इकाई का अंक किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम, आइए हम देखते हैं। लिखते हैं तीस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको इसका गुणा नहीं करना है, हमको तो मात्र इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक किस तरीके से ज्ञात करेंगे, लास्ट की संख्याओं का गुणा करते चलेंगे और देखते जाएंगे। जैसे आठ दूनी सोलह, सोलह में लास्ट में कौन सा अंक आता है, छः, छः चौको चौबीस, चौबीस में कौन सा अंक आता है लास्ट में, चार, चार सत्ते अट्ठाईस, अट्ठाईस में लास्ट में कौन सा अंक आता है, आठ, और आठ दूनी सोलह, सोलह, सोलह में लास्ट कौन सा अंक आता है, छः। तो इसका इकाई अंक कौन सा होगा, छः। अब हम हल करके देखते हैं, आठ दूनी सोलह, सोलह में लास्ट में कौन सा अंक आया है, छः। अब छः का हमको कौन सी संख्या में गुणा करना है, लास्ट वाली संख्या में, छः चौको चौबीस, चौबीस में लास्ट में कौन सा अंक आया है, चार। अब चार का गुणा करेंगे हम सात में, चार सत्ते अट्ठाईस, अट्ठाईस में लास्ट में कौन सा अंक आया है, आठ। तो आठ का गुणा करेंगे लास्ट की संख्या में दो में से, आठ दूनी सोलह, तो लास्ट में कौन सा अंक आया है, छः। तो इसका इकाई का अंक छः होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। एक सवाल और करते हैं जिससे आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि आखिर इकाई का अंक निकालने कैसे पड़ता है, और देखेंगे सवाल। अंठानवे गुणे संतानवे गुणे छियानवे गुणे पंचानवे गुणे चौरानवे, कोई भी संख्या हो, लास्ट में हम देखते हैं किस तरीके से, चार पंचे बीस, और जैसे ही आपको लास्ट में शून्य मिले, जीरो मिले, तो इसका इकाई का अंक ही जीरो होगा, क्योंकि आपके जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कौन सी सब आंसर आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे हम देख लेते हैं, जीरो का छह में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, जीरो का सात में गुणा करेंगे तो भी जीरो, जीरो का आठ में गुणा करेंगे तो भी जीरो। अगर चार और पांच या दो पांच कोई भी संख्या ऐसी मिल जाए जिसमें लास्ट में आपको जीरो मिल जाए, तो आपको पूरे सवाल को हल करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपको लिख देना है जीरो। तो इसका इकाई का अंक जीरो होगा। और सवाल देख लेते हैं जिससे आपको किसी भी तरीके का मन में डाउट ना रहे, आप घर पर भी अच्छी प्रैक्टिस करना, कोई भी सवाल, कोई भी अपने मन से भी कुछ लिख लेना और आप उसको हल करके देखना, आंसर आ जाएगा। जैसे चवालीस तैतालीस
49 68 67 का इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए सात का गुणा किया हमने लास्ट में आठ में, सात आठ है 56। अब अपन को लास्ट की संख्या लेनी है 6, 6 का गुणा करेंगे हम 9 में, 6 नाड़े 54, 54 में लास्ट का अंक कौन सा होता है 4, 4 का गुणा करेंगे अपन 3 में, 4 3 12, 12 में लास्ट में कौन सा अंक आता है 2, और 2 का गुणा करेंगे अपन 4 में, तो 2 चौके 8। तो इस सवाल का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 8 होगा। और एक दो सवाल कहते हैं अपन, चाहे जितना बड़ा सवाल मिल जाए अपन, इससे घबराने की किसी कोई भी प्रकार की जरूरत नहीं है, बस लास्ट की संख्या को गुणा करते जाना है और हल करते जाना है, जो संख्या लास्ट में बची वही इकाई का अंक है। जैसे 94 95। स्टार्ट। इकाई का एक दो सवाल की और प्रैक्टिस करते हैं अपन। चाहे जितना बड़ा सवाल मिल जाए अपन को घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट की संख्या को अपन को क्या करना है, लास्ट की संख्या में गुणा करते जाना है 22, 6 7 42, 42 में लास्ट में कौन सा अंक आता है 2, 2 का गुणा किया अपन ने 8 में, 2 8 16, 16 में लास्ट में कौन सा अंक आता है 6, 6 का गुणा किया अपन ने 9 में, 6 नाड़े 54, 54 में लास्ट में कौन सी संख्या आती है 4, और 4 का गुणा किया 8 में, 4 8 32, 32 में लास्ट में कौन सा संख्या आती है 2, 2 का गुणा किया 6 में, 2 6 12, 12 में लास्ट में 2 आती है और 2 का गुणा किया 6 में, तो 2 6 12, फिर लास्ट में 2 मिली अपन को और 2 9 18, और 18 में लास्ट में कौन सा अंक आता है 8, तो इकाई का अंक क्या होगा 8। अब अपन घातन वाले और एक दो सवाल इकाई के अंक कहते हैं, क्योंकि इकाई के अंक भी कई प्रकार के आते हैं।
जैसे आ गया, अब अपन घातों वाली इकाई क्या करते हैं, जैसे आ गया 32 की घात 1999 इकाई का अंक याद कीजिए। तो अपन क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो ऊपर की संख्या है उसमें क्या कर देना है, 4 का भाग देते नहीं, यहां पे लिखते हैं अपन 1999 भागे 4, जो शेषफल बचेगा उसको अपन को लास्ट की संख्या में घात चढ़ा देनी है, वही इकाई का अंक होगा। 4 चौके 16 कितने बचे, 3, 4 9 36 कितने बचे लास्ट में, 3, और 4 9 36 क्या बचा शेषफल, 3, और लास्ट में कौन सी संख्या है, 32 की में लास्ट में कौन सी संख्या होती है, 2, और जितना शेषफल बचे उतनी अपन क्या चढ़ा देनी है, घात। और बस 2 का क्यों हम जानते हैं कि 8 होता है, 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 4 × 8 इकाई का अंक, 8 इकाई का अंक होगा। और देखें एक दो सवाल, जैसे इकाई का अंक ज्ञात करें, 16 की घात 946 का इकाई का अंक ज्ञात करें, तो घात चाहे जितनी चढ़ी हो अपना तो 4 का भाग देना है, और जो शेषफल बचे वो लास्ट की संख्या में चढ़ा देना ही घात। 4 × 4 = 8 एक बची, 4 × 3 = 12 दो बची, 4 × 6 = 24 शेषफल क्या बचा, 2, तो 16 की घात में 2 है तो लास्ट में कौन सी संख्या है, 6 की घात 2 चढ़ा दी और वर्ष लिख दी 6 × 6 तो क्या आएगी, 36, और 36 में लास्ट में कौन सी संख्या आती है, 6, तो इस संख्या का इकाई का अंक तो 16 की घात 946 का इकाई का अंक होगा। और एक सवाल देखते हैं, हमारा उद्देश्य तो यही है कि आप पे किसी भी तरीका का इकाई का अंक आ जाए, आप पे बन जाना चाहिए, चाहे जैसा सवाल दे दे आपको पेपर वाला, ठीक है। 27 की घात 93 × 24 की घात 29 × 38 की घात 98 अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी तरीके के इकाई का अंक आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। ऊपर जितनी संख्या मिले अपन को सीधा 4 से भाग देना है, और जो जो भी शेषफल बचे सो लास्ट में जो संख्या लिखेगी, जैसे 27 है तो 27 की लास्ट में क्या है, 7, 29 की लास्ट में क्या है, 9, 38 की लास्ट की संख्या कौन सी है, 8, और घाते चढ़ा देनी है और बस गुणा कर देना है, जो संख्या बचेगी वही इकाई का अंक होगा। जैसे 93 में अपन ने 4 का भाग दिया, 4 × 8 एक शेषफल बचे, 4 × 3 = 12 तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 1, 29 में भाग दिया, 4 × 7 = 28 तो शेषफल क्या मिला अपन को, 4 × 7 = 28 शेषफल मिला अपन को 1,
98 भाग दिया, 4 × 2 = 8, 1 बचा, 4 × 4 = 16, शेषफल क्या बचा अपन को 2। जितने भी डब्बे में संख्या लिखी है यही शेषफल है। तो 27 के लास्ट में कौन सी संख्या है? 7। शेषफल क्या बचा था अपना? 1। तो 7 के ऊपर 1 की घात गुणा गुणा। 29 में लास्ट में कौन सी अंक आता है? 9। तो 9 शेषफल क्या बचा था अपना? 1। तो घात 1 गुणा गुणा। 38 की लास्ट में कौन सा अंक है? 8। शेषफल क्या बचा अपना? 2। तो गुणा कीजिए, 7 का एक बार में है 7, 9 का एक बार में है 9, और 8 का वर्ग क्या होता है? 64। अब फिर से गुणा कीजिए, 4 का गुणा 9 में किया, 4 × 9 = 36। 36 की लास्ट में कौन सा अंक आता है? 6। अब 6 का गुणा किया 7 × 6 = 42। 42 की लास्ट में कौन सा अंक आता है? 2। तो इसका इकाई का अंक दो होगा। और एक सवाल करते हैं अपन, किसी भी प्रकार की आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे, हमारा तो यही उद्देश्य है। अट्ठाईस की घात 85 × 89 की घात 77 और 105 की घात 45 का नाम बता दो का इकाई का अंक याद करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। ये हमारे सेशन का लास्ट में क्वेश्चन होगा, अंतिम क्वेश्चन होगा, और इसी की तरह अगर आप इन सवालों को बार बार लगाएंगे तो आपका इकाई का अंक का टॉपिक बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इकाई का अंक चाहे किसी भी एग्जाम आप दे लीजिए, अगर आपको इकाई का अंक एक सवाल जरूर मिलेगा। पहले उनको विस्तारित रूप सीखना होगा, फिर स्थानीय मान, और फिर लास्ट में इकाई का अंक। अब हम देखेंगे घात कितनी चढ़ी है, 85, 77, 45। कोई भी घात चढ़ी हो, चाहे जितनी लंबी घात चढ़ी हो, अपन को तो 4 का भाग देना है बस। 85, 4 का भाग दिया, 4 × 8, 4 × 1 = 4, तो इकाई का अंक क्या बचा, शेषफल क्या बचा यहाँ पे? 1। 77 में 4 का भाग दिया, 4 × 4 = 3 बचे, 4 × 9 = 36, शेषफल क्या बचा यहाँ भी? 1। 45 में दिया 4 का भाग, 4 × 4 = 4, तो यहाँ भी शेषफल क्या मिला? 1। अब हमको देखना है 28 के लास्ट में क्या कौन सी संख्या आती है? 8। तो 8 की और शेषफल क्या मिला है हमको? 1। तो 1 की घात चढ़ा दी गुणा है सुगुणा। 89 में लास्ट में कौन सा अंक आता है? 9। तो 9 लिख लिया, शेषफल क्या मिला है यहाँ पे? 1। घात 1 की चढ़ा दी। फिर यहाँ पे देखना है 105, 105 में लास्ट में कौन सा अंक है? 5। 5 लिखा, और यहाँ पे शेषफल क्या मिला? 1।
एक, आठ की घात एक तो आठ, नौ की घात एक सौ नौ, पांच की घात एक सौ पांच, पांच का गुणा किया नौ में पनम पैंतालीस, पैंतालीस है तो लास्ट में कौन सा अंक आता है पांच, और पांच का गुणा किया आठ में तो पांच अट्ठे चालीस, चालीस है तो लास्ट में कौन सा अंक मिला जीरो। तो इसका इकाई का अंक जीरो होगा। तो बताइए दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हुई लगी हो तो उड़ान अकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।